वही जय और विजय। असुर के रूप में और जन्म लिए दिति के गर्भ से। तो जब हिरणाक्ष का वध हो गया तो हिरण्यकश्यप ने मन में सोचा कि मैं तपस्या करके शक्ति प्राप्त करूंगा और शक्ति प्राप्त करके और विष्णु से बदला लूंगा और इसीलिए हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया और कठोर तप किया। 1 पैर पे खड़ा हो करके हिरण्यकश्यप ने तप किया। इतना कठोर तप किया कि उसके शरीर पे मिट्टी के बामी बन गए। उनके तपस्या से प्रसन्न हो करके ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मब्रूहि वरदान मांग, उसने भी वरदान मांगा मेरी मृत्यु न हो, किसी के हाथ मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती, मृत्यु तो अवश्य होगा, और कोई वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा न दिन में मरू न रात में मरू न मां बाहर मरू न भीतर मरू न ऊपर मरू न नीचे मरू न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू न दानव से मरू न मानव से मरू। अब लिस्ट लंबी होती जा रही थी तो ब्रह्मा जी ने सोचा इसकी लिस्ट लंबी होती जा रही है तो इसलिए जल्दी से ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु दिया। ओ दानव, वरदान प्राप्त करके और तपस्या के बाद जब अपने राजधानी में आया तो राजधानी में आकर के उसने सब कुछ बंद कर दिया। यज्ञ तप भजन कीर्तन पूजा पाठ सब बंद कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ प्रह्लाद। जो जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया था उस समय प्रह्लाद जी को प्रहलाद की माता कयाधु को इंद्र पकड़ करके मारने के लिए ले जा। नारद जी ने देखा और नारद जी ने कहा इंद्र से, इंद्र ये क्या कर रहा है तू, इसको कहां लेके जा रहा है। इंद्र ने कहां ले जा रहा हूं, मारने के लिए ले जा रहा हूं। अरे पागल, ये गर्भवती है इसीलिए तो ले जा रहा हूं कि इसके साथ साथ इसके गर्भ में पलते हुए असुर को भी मारूंगा।
अरे मूर्ख, इसके गर्भ में असुर नहीं भगवान के परम भक्त पल रहा है, इसे छोड़ दे। असुर नहीं है, भक्त है भगवान। इंद्र छोड़ करके चले गए। नारद जी ने अपने आश्रम में लाए। नारद जी के ही आश्रम में कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जब कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दी, उसे लेकर के जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके आ गया, तो उसे लेकर के नारद जी आए और हिरण्यकश्यप से कहा, ये आपका पुत्र है, इंद्र लेकर के जा रहा था तो मैंने उसे छुरा करके अपने आश्रम में रख लिए और वहीं पे आपके पत्नी कयाधु ने इस पुत्र को जन्म दी, इसका नामकरण मैंने कर दिया है, इसका नाम प्रहलाद। नारद जी कह करके चले गए। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये पढ़ा लिखा होगा नहीं, इसलिए उसको पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल, लाली देखन मैं चला और मैं भी हो गया। संग का रंग चढ़ता है, बचपन से ही नारद जी के आश्रम में प्रहलाद जी रहे, वहां पर भजन कीर्तन जब होता था तो प्रहलाद जी सुनते थे, वहां बैठकर कथा होती थी तो सुनते थे। नारद जी महाराज कि एक एक बात को, शब्द को प्रहलाद ने ग्रहण कर रखे। इसीलिए प्रहलाद भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था, बड़ी श्रद्धा थी। इसीलिए जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, बेटा तो सुना जो कुछ तू पढ़ा है स्कूल में, तो प्रहलाद ने सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदन। भगवान प्रहलाद ने कहा, पिताजी श्रवण करो नारायण की गुणानुवाद को, कीर्तन करो नारायण के नाम का, पूजन करो नारायण का, भजन करो नारायण का, स्मरण करो नारायण का, चिंतन करो नारायण का, सेवा करो नारायण का। अब बार बार जब प्रहलाद नारायण नारायण कहे तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध है, अपने गोदी से उठाया और पटक दिया। और शुक्राचार्य जी के दो पुत्र थे संड और अर्क, कहा कि इसे जरा ध्यान से पढ़ाओ, ये तुम लोगों ने क्या सिखा रखा। लेकिन प्रहलाद को न पढ़ने में इच्छा हो रही है न कुछ। प्रहलाद को कितना
इतना कष्ट दिया। कितना कष्ट दिया। लेकिन जो रंग लाल न रंगाऊं मैं तो हरी न रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम रंग दे चुनरिया, श्याम पियारी रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग। मेरे भाई एक बात ध्यान देना, लाल के ऊपर और रंग चढ़ जाएंगे, हरे के ऊपर और रंग चढ़ जाएंगे, पीले के ऊपर और रंग चढ़ जाएंगे, सफेद के ऊपर और रंग चढ़ जाएंगे, लेकिन काला रंग एक ऐसा है कि उस पे और कोई रंग चढ़ता ही। श्याम रंग तो काला रंग पहली बात तो चढ़ती नहीं है, और चढ़ती है तो फिर उतरती है। प्रहलाद के जीवन में भी यही हुआ। हरि वो हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो। प्रेम से सभी ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से बोलेंगे आपको बताऊं। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाए। तो गिरधारी हाथ कब पकड़ेगा? जब आप हाथ बढ़ाओगे तभी तो। हाथ बढ़ाओगे नहीं, हाथ ऐसे रखोगे तो गिरधारी कहां से पकड़ेगा भाई? दूसरा, सामने आपने तस्वीर देख रहे होगे चैतन्य महाप्रभु का, प्रेमा बता दी, ये जो मुद्रा है ये काहे की मुद्रा है? ये सिलेंडर हाथ उठाने का मतलब सिलेंडर कर दिया। तो भगवान को अगर सिलेंडर करना है, जिसे संसार के
में जीवों को, संसारिक जीवों को अगर अपने आप को सरेंडर करना है, संसार को सरेंडर करना है तो हाथ नहीं उठाना। और अगर रमण बिहारी को, लक्ष्मी नारायण को और भोलेनाथ को अगर सरेंडर करना है तो दोनों हाथ उठा लेना। और देखो ताली बजाने से क्या होता है, समझते हो? ये हाथ की जो बुरी रेखा है ना, ये सब कट जाती है। इसलिए अगर बुरी रेखा को काटना हो, और हमारे भाटिया जी तो सुबह सुबह यो ताली बजाते रहते पार्क में, तो उनको तो आदत है। ये हाथ, अरे हाथ उठा लो, कमजोर हो क्या किसी से? दोनों हाथ उठा करके और बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाथ गिरने के बाद सब डालो।
प्रहलाद को हिरण कश्यप ने कितना प्रयत्न किया मारने का, कितना प्रयत्न किया, पर्वत से फेंक दी, समुद्र में फेंक दिया, भूखे प्यासे रखा, सड़कों के बीच में छोड़ दिया, यहां तक कि बुआ जी अग्नि में भी लेकर के बैठ गई, लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। बुआ जी तो जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं। तब हिरण कश्यप ने पूछा कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है? पिताजी सारे संसार की रक्षक है, वही मेरी रक्षा कर रहा है। कहां रहता है वो, कहां नहीं है, जल में थल में खरे खंभ में सब में। अच्छा तो क्या इस खंभ में है? हाँ है। और हिरण कश्यप ने गदा घुमा करके एक ही बार जैसे ही मारा उस खंभ में, खंभ फटा और गुरु 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 गुरु। जैसे ही हिरणाक्ष भागने लगा, झपट करके पकड़ लिए और पकड़ करके गोदी में लिटा ली, और गोदी में लिटा करके कहा, याद कर ब्रह्मा के एक एक वरदान, न दिन है न रात है, गोधोली का बेला है, न तू बाहर है न भीतर है, दहलीज पे है, ना ऊपर है ना नीचे है, मेरे गोद में है, और देख ना मैं मानव हूं ना दानव हूं, ना मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है। कहते हुए हिरण कश्यप के छाती को विदीर्ण किया भगवान नरसिंह ने, और हिरण कश्यप का उद्धार। जब हिरण कश्यप की वध का सूचना देवताओं को मिला, तो देवताओं ने जय जयकार की, पुष्पों की वर्षा की। श्रवण कुमार जी बोले, हे व्यास जी, एक बार हिरणाक्ष के पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने मजाक में कह दिया, तुम तो अंधे और कुरूप हो, इसलिए
तुम राज्य का क्या करोगे? दैत्यराज हिरण्याक्ष तो मूर्ख थे, जो भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया, और तेरे जैसा नेत्रहीन कुरूप बेडोल पुत्र का वरदान प्राप्त किया। कभी दूसरे से प्राप्त पुत्र का भी पिता के राज्य पर अधिकार होता है क्या? इसलिए इस राज्य पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसका स्वामी हम। भाइयों का कटु वचन सुन करके अंधक राज्य को त्याग करके जंगल में चला गया, सुनसान जंगल में चला गया, भयावह जंगल में। जहां जंगली जानवर के सिवा और कुछ भी नहीं, और वहां बैठ करके बहुत दिनों तक तपस्या की, कठोर तप किया, फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। जब कोई परिणाम नहीं निकला तो अपने शरीर को काट काट करके अग्नि कुंड में उसने हवन कर दिया, मांस। तब ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स तुम मांगो, हे पुत्र अंधक तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हारा हर मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। ये बात सुनकर के अंधक हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहने लगा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो मेरे निष्ठुर भाइयों को, जो मेरा राज्य उसने छीन लिया है, वो मुझे आप दिलवा दे। अंधक की बात श्रवण करके और ब्रह्मा जी ने उनके भाइयों के द्वारा उनके राज्य दिलवाए और अंधक के द्वारा शिव गणों से जब युद्ध हुआ शिव गणों ने सबको खदेड़ करके भगा दिया, तो भगवान
पुनः उनको राज्य को। और पुनः उनके राज्य को प्रदान किया। और वही अंधक भगवान शिव के गण के रूप में अप्रख्यात हुए। व्यास जी महाराज ने बाणासुर के कथा को श्रवण करने की इच्छा प्रकट की। कथा आती है, एक बार जब भगवान शिव तांडव कर रहे हैं, उस समय बाणासुर ने अपने साज के द्वारा साज बजा करके और भगवान शिव के तांडव नृत्य में सहायता की थी, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने कहा तू वरदान मांग। बाणासुर ने कहा महाराज अगर आप प्रसन्न इतना ही हैं और कुछ मुझे देना चाहते ही हैं तो आप एक काम करो, मेरी राजधानी का रक्षा का भार आप ले। भगवान शिव तब से बाणासुर की राजधानी की रक्षा करने लगे। एक रोज बाणासुर की पुत्री का नाम है उषा, जब प्रातः काल नींद खुला तो उषा ने देखा कि कोई पुरुष नहीं है, अब उषा उदास बैठी हुई है दरवाजे पर। उषा की सहेली थी चित्रलेखा, चित्रलेखा प्रातः काल उषा के पास आई तो देखी क्या, वो दरवाजे पे उदास बैठी। चित्रलेखा ने कहा सखी क्या बात है, तू उदास क्यों बैठी है? उषा कहने लगी क्या बताऊं, मैंने एक स्वप्न देखी है। स्वप्न क्या देखी? एक सुंदर से पुरुष मेरे शयन कक्ष में आए रात्रि को, जिनके साथ मैं रात भर विहार करती रही। लेकिन सखी जब मेरी निद्रा खुली तो वहां पर कोई पुरुष नहीं। चित्रलेखा ने कहा अगर मैं चित्र बनाऊं
तो क्या तू पहचान जाएगी? उषा ने कहा बिल्कुल पहचान जाऊंगा। तो चित्रलेखा ने चित्र बनाना शुरू कर दिया। जब चित्र बनाना शुरू कर दिए और उषा ना 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 ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं कहती रही, दाऊ दादा के बनाए ये है नहीं, भगवान कृष्ण के बनाए ये है, देख करके थोड़ी शर्मा तो गई लेकिन कहती ये भी नहीं। तब अनिरुद्ध जी महाराज के बनाए ये है, चित्र देखते ही अनिरुद्ध जी के उषा कहने लगी सखी यही वो पुरुष है जिसके साथ मैं रात भर विहार करती। अब उषा द्वारिका गई और पलंग सहित उठा करके द्वारिका से और ला करके उषा के कक्ष में रख दिया चित्रलेखा ने। अनिरुद्ध जी महाराज सो रहे थे उस समय, जब जागृत अवस्था में हुए तो देखा उषा को, उषा ने सारी कथा बताई। अब दोनों विहार करने लगे बहुत दिनों तक विहार करते रहे। एक रोज बाणासुर को पता लगा कि उषा के शयन कक्ष में कोई पुरुष है। बाणासुर ने सैनिकों को भेज करके अनिरुद्ध जी को नागपाश से बांध लिया। अब भगवान को पता लगा, कृष्ण भगवान को, कि बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को कैद कर लिया। अब पूरी दलबल के साथ सैनिकों को लेकर के भगवान कृष्ण बाणासुर के राजधानी शोणितपुर पहुंचे। इधर बाणासुर भी युद्ध के लिए अपने सैनिकों के साथ तैयार है और इधर भगवान कृष्ण भी तैयार है। लेकिन बाणासुर से युद्ध करने से पहले जो भगवान शिव ने वरदान दिए हैं बाणासुर के कि तुम्हारे नगर की रक्षा मैं करूंगा, भगवान शिव अपने गणों के साथ खड़े हो गए युद्ध के लिए। भगवान कृष्ण ने देखा और भगवान शिव की और भगवान कृष्ण का द्वंद युद्ध हुआ। उसमें भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को कहा आपने रक्षा करने का वरदान दिया है, लेकिन हमें भी तो उपाय आप बताइए कि इसका वध कैसे होगा। तब भगवान शिव ने
पार्वती अम्बा ने कहा भगवान शिव से, महाराज एक तरफ आपका भक्त है और दूसरी तरफ आपका इष्ट है, आप सहायता किसकी करोगे? भगवान शिव कहने लगे, देवी मैंने अपने भक्त को वरदान दिया है, इसलिए सहायता मुझे अपने भक्तों का करना है। भगवान कृष्ण से युद्ध करते हुए, भगवान शिव लीला करते हुए स्वयं बंधन में आ गए। और फिर भगवान कृष्ण ने बाणासुर के समस्त सैनिकों का वध करके बाणासुर का वध किया, उषा और अनिरुद्ध को लेकर के आए और बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका विवाह हुआ। बाणासुर के उद्धार के बाद शनकादि ऋषियों ने व्यास जी को गजासुर नाम का असुर की कथा सुनाई। हे ऋषि, गजासुर भगवान चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव के अरण्य पर अनन्य भक्त, और गजासुर अपने राज्य को फैलाते जा रहा था, वो कहां तक पहुंच गया? काशी। और काशी में पहुंच करके काशी के नगर के समस्त प्राणियों को सताने लगा। अब जब जब उन्होंने भगवान शिव ने देखा, क्योंकि काशी तो भगवान शिव का जो है परम धाम है, निज निवास है, काशी छोड़ करके तो भगवान शिव कभी कहीं जाते नहीं, इसीलिए कहते शिवह काशी 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 शिवह 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 काशी शिवह काशी 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 शिवह 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 काशी शिवह काशी 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 शिवह शिवह। एक बार भी कहते पंचवार पठे नित्यम,
शिवह काशी 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 शिवह शिवह, जो पांच बार पढ़ लेता है कहते रोज कहते उसे काशी निवास का ही फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने देखा गजारूढ़ गजा दैत्य जो था भगवान शिव को आते देख करके चरणों में प्रणाम किया। और कहा महाराज अगर मेरी आराधना से आप प्रसन्न हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र त्रिशूल से मेरे शरीर को स्पर्श किया, इसलिए मेरे शरीर का क्योंकि आप खाल पहनते हैं तो ये मेरे शरीर का जो खाल है ना वो आप धारण करें। भगवान शिव ने मनोवांछित वर प्रदान किया। भगवान शिव ने कहा तुम्हारे शरीर को कि मुक्ति काशी नगरी में ही मिलेगी, इसलिए तू कृति बास्येश्वर नाम से और तुम शिवलिंग की स्थापना। तो गजा जो असुर था वो कृतिवास्येश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से उसकी स्थापना की। और भगवान ने कहा जो कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा, काशी निवास करेगा, जो काशी में अपने प्राण को त्यागेगा वो पुनः मां के गर्भ में नहीं आए, वो मां के गर्भ में नहीं आए, वो मुक्त हो जाए। भगवान शिव ने हर हर महादेव शंभो काशी